जितना भी उन्होंने जो काम करा है या जो अभी तक हम लोगों के सामने आया है कि ये योजनाएं हैं या जो भी काम करा है वो सारी चीजें अभी तक तो अच्छी ही लग रही हैं। सर बहुत ही अच्छा कार्यकाल है उनका, जो फर्स्ट कार्यकाल था उसके अंदर बहुत अच्छा किया था। सेकंड कार्यकाल में आप जो कश्मीर का जो मुद्दा है वाला उसके अंदर जो उन्होंने काम किया है जो काफी 70 साल से काफी जो पेंडिंग आ रहा था किसी के जो एक रीजन दे रहे थे पूरी ये हटाया जा सकता, उन्होंने सिर्फ 3 दिन के अंदर जिस हिसाब से उन्होंने मैन पावर बढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो हटाया है मैं काफी खुश हूँ। हम लोग बहुत खुश हैं उनके कार्यकाल से और जबकि जब जरूरत की सारी चीज़ें हैं वो सारी पूरी हो रही है और उन लोगों का जो सोचना है वो दूरदर्शी है। ऐसा नहीं है कि वो बस कल आज के लिए सोच रहे हैं, वो आने वाले कल के लिए और बहुत ही लंबे समय तक के लिए सोच रहे हैं और भारत को इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही ऊँचे तक इस तक पहुँचा। मोदी जी का प्लान जो है वो बहुत ही बेस्ट है और उनकी जो खास बात है वो ये है कि उनको सत्ता से मतलब नहीं है, उनको अपने देश से मतलब है। ये चीज़ वो सोचती है और देख भी रही है, इसीलिए उनको पूरी बहुमत मिला है। मोदी गवर्नमेंट जो है वो उनकी जो पर्सनालिटी है मतलब मोदी जी की जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी अपीलिंग है और वो काफ़ी मोटिवेट करती है यंगस्टर्स को, सभी को मोटिवेट करती है। सरकार बहुत अच्छी है और संतुलित तरीके से सारे कार्य कर रही है और अगर वैश्विक मोर्चे पर बात की जाए तो इन 100 दिनों में भारतीय वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में जो है मोदी सरकार ने झंडे गाड़ दिए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत काम किया है और जिससे उज्ज्वला गैस कनेक्शन क्षेत्र में सभी अपने वार्ड में मैंने बांटा है और पार्कों का निर्माण किया है और अनेक ऐसी योजनाएं जिसका लाभ आप हमारे क्षेत्र की जनता ले रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त कर रही है।